मुंबई के लिए अगले 3 से 4 घंटे अहम। कई इलाकों में होगी तेज आंधी के साथ बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भारी बारिश की चेतावनी। मुंबई में एनडीआरएफ की 3 टीमें तैनात। समुद्र किनारे न जाने की अपील। भारी बारिश के चलते रेलवे यातायात हुई ठप्प। लोकल ट्रेनें 15 से 20 मिनट चल रही है देरी से। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश से हाल हुआ बेहाल। चंद्रपुर जिले में बाढ़ जैसे हालात। पानी के बीच घिरे 30 लोगों को किया गया रेस्क्यू। ठाकुर स्टेशन में सिग्नल फेल। सेंट्रल रेलवे हुई बाधित। कल्याण डोंबिवली में यात्रियों की भीड़ लगी। मुंबई में आया एक और हिट एंड रन का मामला। तेज रफ्तार ऑडी कार ने 2 ऑटो को मारी टक्कर। ड्राइवर समेत 4 घायल। पालघर में जारी है तूफानी बारिश। निचले इलाकों में भरा पानी। कई गाड़ियां डूबी। दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं। कांवड़ यात्रा पर नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बयान। देश भर के मंदिरों में महादेव की पूजा अर्चना के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। मुंबई में भारी बारिश का कहर जारी। 36 से ज्यादा फ्लाइटें की जा रही हैं रद्द। 15 डाइवर्ट की गई। दोपहर में रनवे सेवा पर भी हुआ था असर। जिम के एरोबिक क्लास में शख्स की हार्ट अटैक से मौत। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में मौत का लाइव वीडियो आया सामने। नौसेना डॉकयार्ड पर जहाज में लगी आग पर पाया गया काबू। कर्मचारियों को करनी पड़ी मशक्कत। कोई हताहत नहीं हुआ। महाराष्ट्र में एनडीए में टूट। अजीत पवार का ऐलान। अपने दम पर चुनाव लड़ेगी एनसीपी। देशभर में पहला सावन सोमवार आज। महाराष्ट्र में 15 दिन के बाद शुरू होगा शिव आराधना का पर्व। नाशिक के सरकारी आश्रम स्कूल में मिड डे मील में पाए गए लार्वे। छात्रों में मचा हड़कंप। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल हुई तेज। सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे शरद पवार। नागपुर में भारी बारिश से बड़ा हादसा। बाढ़ में बहने से 2 लोगों की हुई मौत। नाबालिग लापता। महाराष्ट्र के ठाणे में 17 साल की लड़की को अगवा करने और एसिड फेंकने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ केस किया दर्ज। मुंबई में सोने के दामों में गिरावट। सोना 73,850 रुपए तोला। तो में चांदी 91,500 रुपए किलो। अंबाला के नारायणगढ़ में 5 लोगों की हत्या। जमीनी विवाद के चलते सगे भाई ने दिया वारदात को अंजाम।